हेलो नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में एक कमेंट आया था कि सर प्लीज़ एक बार ईपीएफओ ट्रांसलेटर एग्ज़ाम में क्वेश्चन के टाइप्स बता दीजिए। तो आज के वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो यूपीएससी ईपीएफओ ट्रांसलेटर एग्ज़ाम जो होना है 20 तारीख को होने वाला है, उसमें सिर्फ 10 दिन बाकी है। और इसके लिए आपको मैंने एक स्ट्रेटजी वीडियो भी दी थी, ठीक है। आज हम बात करते हैं कि इसमें क्वेश्चंस के जो टाइप होने वाले हैं वो कैसे होने वाले हैं। इसके लिए मैंने अभी अभी एक क्विज भी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाला है, तो हम देख लेते हैं कि जो क्वेश्चंस है वो कौन से होंगे। तो ये क्विज है जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाला है, आप वहाँ से इसको दे सकते हैं। इस पर कुछ भी नाम टाइप कर लेता हूँ। जैसे अब ये 5 मिनट का क्विज है क्वेश्चन, ठीक है, और इसमें 15 क्वेश्चन मैंने रखे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, सैम्पल के तौर पे, कि किस प्रकार के क्वेश्चन वहाँ आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, पाप पुण्य में कौन सा समास है, ठीक है, ये समास से रिलेटेड जो है, ग्रामर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। दूसरा है, तनु का पर्यायवाची शब्द है, अब ये पर्यायवाची शब्द से रिलेटेड है। फिर यह है, वर्ष में नराकास की कितनी बैठकें अनिवार्य हैं। तीसरा क्वेश्चन है जो है समितियों से संबंधित एक क्वेश्चन है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन जो है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, अब ये वर्तनी संबंधी एक क्वेश्चन है। पांचवा जो क्वेश्चन है वो है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, तो इसमें वर्णों से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक जो है ट्रांसलेशन से संबंधित एक क्वेश्चन जो है वो आपके आएंगे ही आएंगे वहाँ, तो जो है एक ट्रांसलेशन से संबंधित इंग्लिश से हिंदी है, वहाँ पर हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी दोनों आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये ट्रांसलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक फोरकास्ट पाकिस्तान इकोनॉमिक ग्रोथ टू स्लो फर्दर टू द पेशेंट्स ड्यूरिंग द करंट ईयर। अब इसका हमें हिंदी में अनुवाद जो है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से देखना है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है, अब राजभाषा संबंधी प्रावधान से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी राजभाषा संबंधी क्वेश्चन। अब जो है, लीला का पूरा नाम क्या है, तो जो ये है लीला जो है, ये आपको जो सॉफ्टवेयर्स है हिंदी से रिलेटेड ना, उनके उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि आपको वहाँ पर भी देखने को मिल सकता है, या इस दूसरे जो सॉफ्टवेयर्स है हिंदी से रिलेटेड वो आपको वहाँ देखने को मिल सकते हैं। अब चिरायु शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, अब ये प्रत्यय से रिलेटेड एक जो है क्वेश्चन है, ये आपको देखना है वहाँ। अब है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये शब्द और व्यंजन से रिलेटेड एक शब्द है क्वेश्चन है। अब अगला जो है वो है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, अब वर्तनी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब एक है जो वर्ड का ट्रांसलेशन है, जो एक वर्ड इंग्लिश से हिंदी है, वहाँ पे आपको इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश देखने को मिलेंगे, ठीक है, दोनों प्रकार के। 13वां जो क्वेश्चन है वो है, भाषिक स्तर पर देश को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, अब ये जो है भाषिक आधार पर कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया है, ये राजभाषा संबंधी प्रश्न है, ठीक है। 14वां जो प्रश्न है वो है, संधि से रिलेटेड, संधि विच्छेद से, महेश का संधि विच्छेद क्या है। और जो अंतिम प्रश्न है 15वां, वो है, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ है, अब ये जो है भाषा का इतिहास और ये सब उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो ये सिर्फ 15 क्वेश्चन थे सैंपल के तौर पे, आपको कैसे वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, इसको आप मिनी मॉक टेस्ट के रूप में भी देख सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। और इस जो क्विज का लिंक है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी डाल दिया है अभी, ठीक है, आप वहाँ से जाके इसको दे सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।